ये MRPL के इनके पास 100 शेयर हैं, 66 रुपये में उन्होंने खरीदे थे। लॉन्ग टर्म के लिए जानना चाहती हैं कि क्या टारगेट होंगे उसके। देखिए स्टॉक अगर आप इसको देखेंगे तो तकरीबन 2002 से, अगर आप स्टॉक को देखेंगे 2002 से देखिए 2006 की रेंज, तो आई थिंक मोटा मोटी रेंजेस में ही फंसा रहा है, और लोअर एंड 40 से लेके मोटा मोटी 140 की रेंज में ही फंसा रहा है तकरीबन लास्ट 13-14 साल से। तो आई थिंक मोटा मोटी इसी रेंज को मान के चलेंगे, और अगर लॉन्ग टर्म के लिए रखना चाहती है तो 9 से 12 महीने का अगर होराइजन है तो मान के यही चलें कि बेस्ट केस में ऊपर में इनको 130-140 ऊपर में देखने के लिए मिल सकता है। नीचे में 40-50 के बहुत ज्यादा नीचे जाता नहीं है, तो आई थिंक उन एरियाज के आसपास सपोर्ट है, तो आई थिंक डिसेंट रिस्पॉन्ड के साथ इन्होंने ट्रेड लिया हुआ है तो मेरे हिसाब से बने रहना चाहिए। बट ये ट्रेडिंग स्टॉक नहीं है तो उसको अपना टाइम लग जाएगा, 9 से 12 महीने लग जाएंगे, बट डेफिनेटली ऐसा लग तो रहा है नीचे से कि भाई अपनी अपर एंड की रेंज की तरफ वापस से चल पड़ा है, जो इसकी मल्टी ईयर रेंज है उसके अपर एंड की तरफ ये चल पड़ा है, तो डेफिनेटली बने रहना चाहिए ट्रेड में। होल्ड करना चाहिए, 120-130 तक जा सकता है, रेंज के अपर साइड में काफ़ी गुंजाइश बनती है, रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। अगला सवाल है केयूर पटेल का, वडोदरा गुजरात से। केयूर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है। नमस्कार सर, मैंने 200 शेयर स्पेशलिटी रेस्टोरेंट्स के लिए है, 251 के प्राइस से लिए हुए हैं, तो अभी उसमें शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिए क्या करना होगा और स्टॉप लॉस कहाँ पर लगाए? शॉर्ट टर्म मतलब 2-4 दिन के लिए? हाँ नहीं 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 15 दिन के लिए, 15 दिन। ओके सरवन जी, 15 दिन के लिए स्पेशलिटी रेस्टोरेंट का टारगेट बताइए। 251 पे उन्होंने खरीदा है, 251 पे ही चल रहा है। नहीं देखिए पता नहीं ट्रेडिंग स्टॉक की इनकी डेफिनेशन क्या है, मुझे नहीं मालूम, बट ट्रेडिंग स्टॉक मेरे हिसाब से तो ये नहीं है। उतने अच्छे वॉल्यूम्स है, उतना बढ़िया इसमें सिग्नेचर्स उतने बढ़िया बनते नहीं, वॉल्यूम्स उतने बढ़िया आते नहीं है, बड़ा इरेटिक सा लो वॉल्यूम स्टॉक है। अब क्योंकि ट्रेड इन्होंने ले लिया है और 15 दिन का व्यू मांग रहे हैं, तो मैं इनको यही बोलूंगा कि बेस्ट केस जो 15 दिन में मुझे लगता है वो है तकरीबन 270 से 275 के टारगेट जो पॉसिबल है आने के लिए, तो अगर उन टारगेट्स के लिए ट्रेड ने बने रहना चाहते हैं तो एक स्टॉप लॉस भी जरूर लगाए, और वो स्टॉप लॉस आएगा 235 के नीचे, तो 234-40 के स्टॉप लॉस से अगर चाहें तो ट्रेड में बने रह सकते हैं। ओके 234-235 के स्टॉप लॉस से चाहें तो ट्रेड बने रहे। ट्रेडिंग ऐसे नहीं, वॉल्यूम कम होता, देखिए आज भी कितना 19,000 वॉल्यूम दिखा रहा है, तो इस हिसाब से अपनी राय बनाइए। अगला सवाल है विजया छंगानी का, चेन्नई से। विजया जी बताइए। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सर्वेंद्र जी। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। मेरा सवाल है कि मैंने एनएलसी इंडिया के 86 पे 100 शेयर लिए है, इसको अभी अभी मार्केट बढ़ रहा है तो ये रखें या मतलब रखना चाहिए क्या? और दूसरा सवाल सर, इंट्राडे जो करते हैं उसके टिप्स कितने दिन पहले लेने चाहिए? बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं, वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।